लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भीड़ 10 गुना तक बढ़ गई है। अयोध्या में आने वाले भक्तों में अपार खुशी नजर आ रही है और पूरी अयोध्या में जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। देखिए तस्वीरें, आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं अयोध्या पहुंच रहे हैं। कोई भक्त नंगे पांव चल रहा है तो कोई साइकिल पर सवार होकर अयोध्या पहुंच रहा है। लेकिन हर राम भक्त के मन में बस एक ही इच्छा है, प्रभु श्री राम के मंदिर में जाकर रामलला का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करना। देखिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद 10 गुना तक श्रद्धालुओं में भीड़ और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से, ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ 10 गुना तक बढ़ गई है प्राण प्रतिष्ठा के बाद। आप देखिए ये तस्वीरें किस तरह से रामनगरी आने वाले भक्तों में अपार खुशी इस वक्त नजर आ रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में, कहा जाए कि जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तभी से आप समझिए कि 10 गुना तक श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बढ़ चुकी है। सभी श्रद्धालु, अलग अलग जगहों से श्रद्धालु, तमाम बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए हैं और रामलला के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु किस तरह से आतुर नजर आ रहे हैं ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से अलग अलग राज्यों से जो लोग हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं, आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तभी से ही लगातार कहा जाए कि जो संख्या है वो श्रद्धालुओं की बढ़ रही है, 10 गुना ज्यादा तक संख्या बढ़ चुकी है। श्रद्धालुओं का क्या कुछ कह रहा है, प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। इतना सुंदर लग रहा है, यहाँ की रहन सहन व्यवस्था सारी सब कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। इतनी व्यवस्था है, जगह जगह पर खाने पीने की भी व्यवस्था है, रहने के सब कुछ व्यवस्था रही है और नगर निगम के थ्रू यहाँ पर ऐसा रखा जा रहा है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अयोध्या में आने वाले लोग जो भी आ रहा है उन्हें बहुत खुशी हो रही है। ये बर भी रहता तो भी इतनी भीड़ रहती, हम जरूर आते। अभी तो काशी मथुरा बाकी है, वो भी मोदी जी हमारा स्वप्न, हमारा पूरा हिंदुस्तान का जो है सपना वो पूरा हो जाएगा, या हमारा विश्वास है मोदी जी के ऊपर, योगी जी के ऊपर, हमारे एकनाथ शिंदे के साहब के ऊपर। जय मोदी, जय योगी जी, उनके वजह से पूरे हिंदुस्तान को दिवाली मनाना मिली है, उनका हम धन्यवाद शतशा आभार है उनका। हम पुनः के सबके हमारे भाइयों बहनों से उनका खूब खूब धन्यवाद देते। तो देखिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सीमा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीमा, क्या तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, आप इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए आपको बताया कि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी और आज जो है वो भीड़ काफी देखने को मिल रही है। लगातार ये जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, लोग रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। दरअसल 500 सालों का जो वनवास था वो अयोध्या में खत्म हुआ है। अब इस वक्त 9:30 बज चुके हैं, 9 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अयोध्या की सड़कों पर एक अलग ही जो है वो भीड़ नजर आ रही है। इस वक्त हम लता चौक की आपको हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कि तमाम सैलानी, तमाम लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और एक जो जत्था है सैलानियों का वो लगातार देखने को मिल रहा है। भगवान रामलला के लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, सरयू स्नान करते हैं, हनुमान गढ़ी जाते हैं और उसके बाद फिर रामलला के दर्शन करते हैं। अलग अलग तरह से अलग अलग लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पूरे देश से लोगों के आने का यहाँ सिलसिला जारी है। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग कहीं ना कहीं जो है वो चीजें भी लेकर आ रहे हैं। लोग स्नान करने के साथ साथ रामलला को भोग लगाने के लिए भी सामग्री लेकर आ रहे हैं। तो एक बड़ा जन सैलाब यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। पूरी अयोध्या की सड़कों पर इस वक्त पूरी तरह से इसको ब्लॉक कर दिया गया है, कोई भी गाड़ियाँ यहाँ पर चलने की इजाज़त नहीं है। और भीड़ का आलम यह है कि जगह जगह जो कैंप लगाए गए हैं वो सारे के सारे कैंप भरे हुए हैं, लोगों के लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं वो भरे हुए हैं,
रहने की व्यवस्थाएं अलग तरह से लोगों की गई हैं, वो सब बिल्कुल पूरी तरह से फुल चल रहा है। तो अयोध्या अपने आप में देखने में तो खूबसूरत नजर आ ही रही है, साथ ही साथ जो अयोध्या की तस्वीरें हैं, जो लोग दर्शनार्थी हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वो अपनी आस्था भी प्रकट कर रहे हैं यहाँ आने के बाद। कोई पश्चिम बंगाल से चलकर आ रहा है, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, महाराष्ट्र से, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, तमाम जगहों के जो दर्शनार्थी हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो एक बड़ी भीड़ यहाँ पर है और रोज सुबह 4 बजे से यहाँ पर दर्शनार्थी पहुँचना शुरू हो जाते हैं। गंगा सरयू स्नान के बाद हनुमान गढ़ी के दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर अयोध्या के में रामलला के दर्शन करते हैं। तो तस्वीरों की आपको बात करें तो कुछ लोग यहाँ पे अयोध्या देखने के लिए भी आ रहे हैं कि अयोध्या कितनी भव्य बन गई है, कितनी दिव्य बन गई है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से यहाँ पर काम किया है वो अपने आप में अद्वितीय, अलौकिक नजर आता है। रात का वक्त है और जो यहाँ की अपनी चकाचौंध है वो अलग ही देखने को मिल रही है। पीछे सूर्य स्तंभ आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ लोग बिना सेल्फी लिए नहीं रह पाते हैं। भीड़ हर जगह, हर चौराहों पर जो है वो लगी हुई है और अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत नजारा है। तो अयोध्या में जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके बाद से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, इसलिए अयोध्या का जो मुख्य द्वार है वहां से ही गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है, प्रतिबंधित कर दिया गया है कि कोई भी वहां पर ना पहुंचे। 9:30 बजे का वक्त हो रहा है लेकिन अयोध्या की जो सड़कें हैं वो उसी तरह से नजर आ रही हैं, गुलजार है पूरी तरह से। लोग राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ पैदल अलाउ किया गया है कि लोग जो वहां पर आने वाले लोग हैं वो सिर्फ पैदल जा सकें। इसी क्रम में कल विधानसभा अध्यक्ष अपने सारे विधायकों के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक उसमें शामिल होंगे, आरएलडी के भी विधायक शामिल होंगे और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के विधायक शामिल होंगे। तकरीबन 11 बजे वो यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ आने के बाद सारे विधायक दर्शन करेंगे। 3 बजे तक ये कार्यक्रम यहाँ पर चलने वाला है। तो इस तरह से एक बड़ा जन सैलाब अयोध्या की सड़कों पर जो देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं राम भक्ति में जो लोग लीन हैं वो इस बात को दर्शाता है कि राम में कितने लोगों की आस्था है, कितने लोग दर्शन करना चाहते हैं। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में हर व्यक्ति आना चाहता है और हर व्यक्ति आतुर है कि वो यहाँ पर पहुंचे ताकि रामलला के दर्शन कर सके, क्योंकि रामलला के दर्शन जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके 23 तारीख को ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और प्रशासन ने उनको रोकने की व्यवस्था की थी, उनको सुव्यवस्थित तरीके से इंतजाम किए गए थे कि वो लोग किस तरह से दर्शन करें, लाइन लगाए, तो कई किलोमीटर की लाइन लग रही है। तो अयोध्या का नजारा इस वक्त भव्य और दिव्य नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए।